ये सामने माउंटेन देखो, पूरा स्नो से कवर्ड है। कास्टम पूरी बर्फ की चादर, वो भी हाइट देखो कितनी ज्यादा है। होटल वगैरह भी थे पर वो सारे के सारे बह गए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग भाई। टाइम हो रहा है 4। कल शाम को जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो ट्रैकिंग अलाउ नहीं थी, ट्रैकिंग बंद कर दी गई थी। तो आप लोग कभी भी आए डे में आए, और यहाँ पे खतरनाक वाले स्कैम चल रहे हैं, बहुत महंगे महंगे रूम वगैरह है। तो फिलहाल यहाँ से हम लोग निकलते हैं, ट्रैक शुरू करते हैं। 4 बज रहा है, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। और ऊपर बने रहिए गाइस। हाँ, और गेट आज ओपन होंगे, मतलब कपाट आज ओपन होंगे, तो फिर चलते हैं। वैसे आज वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी। घोड़ा 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 बोलो घोड़ा। घोड़े के रेट हैं यहाँ पे 2300, जो कि स्टैंडर्ड रेट हैं डीएम के द्वारा फिक्स किए हुए। अगर आप लोग कभी भी आते हैं तो दिन में आए, टाइम से आए। और यहाँ गौरी कुंड में गर्म पानी है, कुंड में कहाँ से आ रहा नहीं पता, बट शाम को हम लोग गए थे तब था। तो आप लोग यहाँ के नहा भी सकते हैं और उसके बाद अपना टाइम से ट्रैक शुरू करें। मैंने तो कर लिया घोड़ा, और बाकी के भाई लोग कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ थकते जाएंगे वहाँ पे घोड़ा करते जाएंगे। 4 घंटे लगेंगे, तो अप्रोक्स 4:30 का टाइम हो रहा है, तो हम 8:30 तक पहुँच जाएंगे। और घोड़े के जो चार्जेस हमने पे किए हैं वो है 2300, वो यहाँ के स्टैंडर्ड रेट है। और भाई शायद में चल रही है मंदाकिनी, वो तो अभी जैसे उजाला होगा तब मैं दिखाता हूँ आपको। अभी हम लोग हैं जंगल चट्टी पे, यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट बना हुआ है। नीचे से 5 किलोमीटर आ चुके हैं ऊपर, जैसे जैसे उजाला होता जा रहा है ऐसे ऐसे हमें फील होता जा रहा है हम कितनी ज्यादा हाइट पे चढ़ते जा रहे हैं। ये है हमारे भैया जो हमको लेके चल रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम भगत सिंह। तो यहाँ पे आपको जगह जगह इस तरह के पॉइंट मिल जाएंगे, कंटिन्यू मिलते रहेंगे, चाय वगैरह ठंडा पानी सब कुछ मिलेगा। ये देखो वाटरफॉल कितनी ऊपर से आ रहा है, और यहाँ से ये नीचे बहता हुआ जा रहा है। इस जर्नी की यही ब्यूटी है कि यहाँ का व्यू, यहाँ के नज़ारे इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, आप आराम से अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। पूरा ग्रीन ग्रीन है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे अच्छी चीज़ है वो अभी थोड़ा सा आगे चल के दिखाता हूँ। भैया इधर किस चीज की पर्ची काट रहे थे वो? एक गवर्नमेंट की पर्ची काटी है ना। हाँ, घोड़े बैठे 100 रुपया। अच्छा, पंजीकरण का, तो वो जो पैसा है वो इसी में एडजस्ट हो जाता है पर्ची का, क्या सिस्टम है? और 1200 में रिटर्न कितने मिलेंगे वापस? रिटर्न में 1200 में 1100। भाई अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ ऐसा क्या है, बट हम लोगों ने तो पर्ची नहीं कटाई, हमारे तो ये जो भैया है तो लेके ऐसे ही आ गए। अच्छा, हमको इस रूट से नीचे जाना है क्या? ओ भाई, यहाँ से अभी हम लोगों को इस रूट से नीचे जाना, वो उधर जो नीचे दिख रहा है पेड़ों के उधर, इधर की तरफ या उधर की तरफ? जो ये नदी है ना। हाँ, पुल जो बना है। अच्छा, वो रामबाड़ा है, आपदा में गया वो पूरा। अच्छा अच्छा, आपदा में पूरा बह गया था। अच्छा, पूरी बिल्डिंग थी वहाँ पे और सब बह गई? बाप रे बाप। सो भैया इधर पूरा पानी भर गया था क्या आपदा के टाइम पे? अच्छा, हाँ। आप कहाँ पे थे आपदा के टाइम पे, ऊपर या नीचे? गौरी कुंड में थे, तो उधर भी पानी भर गया होगा सब। तो आप लोगों ने क्या किया था? क्या करने था? इधर उधर भागे, मतलब घरों में भी नहीं छिपाए होंगे, वहाँ तो पानी भर गया होगा। भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे रामबाड़ा जो मेन जगह है वहाँ पे बिल्डिंग भी थी, मतलब होटल वगैरह भी थे, पर वो सारे के सारे बह गए। ये पुल पुराना है क्या, ये भी नया बना है आपदा के बाद बना है? पहले ये रास्ता नहीं था ना, ऊपर का रास्ता। अच्छा, उधर से जो पुल बना है उसमें पानी का फ्लो देखो। बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना वो बहुत अच्छा है। पानी की जो आवाज आ रही है, वो पूरे के पूरे जो व्यू है ना, बहुत अच्छे व्यू हैं। ये भैया बता रहे थे कि जब आपदा आई थी तो ये गौरी कुंड में थे, और कह रहे हैं कि ये पूरा एरिया डिमोलिश हो गया था, सब ये नया बना हुआ है, ये ब्रिज तो नया ही बना हुआ है। और आज ही कपाट खुले हैं, सुबह 6:30 बजे खुलेंगे, अभी टाइम हो रहा है 5:30, अप्रॉक्स 1 घंटे में खुल जाएंगे, और हम जो पहुंचेंगे अप्रॉक्स 8:30 तक पहुंचते हैं, तो देखते हैं। लेकिन आज वहां भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कल भी जा चुके हैं, हमारा प्लान भी कल का था बट वो हुआ नहीं। तो ये देखो नेचुरल वाटर आपको इस तरह मिल जाएगा। एक्चुअली क्या हो रहा है, जहाँ जहाँ वाटरफॉल आ रहे हैं ना वहाँ पे कुछ पत्थर लगा के पाइप लगा दे रहे हैं, तो वो सारा पानी ऐसे यहाँ पे नीचे आ जा रहा है। ये
नेचुरल वाटर, यहाँ से आप पानी पी सकते हैं और यहाँ से हमारा घोड़ा पानी पी रहा है। हम चाय कहाँ पियेंगे? उस जगह का नाम क्या है? बड़ी लिंचोली। यहाँ से 3.5 किलोमीटर है, लेकिन अभी बड़ी लिंचोली वो है ऊपर कहाँ पे? अच्छा वो, तो ये नाम है जगह का, छोटी लिंचोली बड़ी लिंचोली। ये मंदाकिनी रिवर जो बाबा जी के धाम से आ रही है, और ये रामबाड़ा था पहले, वहाँ से देखिए नीचे से इतना दूर से हम लोग आ रहे हैं। बहुत ज्यादा चढ़ाई है भैया इधर है। नॉर्मली जो पहली बार आए उसकी तो हालत ही खराब हो जाएगी, या तो बहुत स्लो स्लो चले। मेरा क्या था, गला खराब हो रखा था, रात में खांसी वगैरह बहुत आ रही थी, पर कल फीवर भी था सुबह, तो मैंने इसीलिए कर लिया। तो आप यहीं के रहने वाले हो? यहाँ पे जो टूरिस्ट आने बढ़ने लगे, बहुत ज्यादा आने लगे हैं अब तो, कब से हुआ है? एक मूवी आई थी केदारनाथ, क्या उसके बाद से इतने ज्यादा आने लगे हैं? मूवी से पहले क्या था, नॉर्मली बहुत कम लोग आते थे, जो भी आते थे चार धाम यात्रा के लिए आते थे, एक एज के बाद जो लोग करते थे चार धाम यात्रा वो लोग आते थे, बट मूवी के बाद बहुत ज्यादा ये पॉपुलर डेस्टिनेशन हो गई है, और खासकर केदारनाथ धाम ही। अभी भी गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ जी, वहाँ टूरिस्ट कम जाते हैं। यही है ना रामबाड़ा वाला पुल, ये सब बह गया था और पानी सब आपका यहाँ तक आ गया था क्या? कि और ऊपर तक वो है उस साइड किधर से वो दिखाई दे रहा है? अच्छा हाँ वो दिख रहा है, वो रास्ता था। अच्छा ये इस साल बना है। पर ये ऊपर जा रहा है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर मिलता है आपको गुप्त काशी से, जहाँ पे हम लोग ने स्नैक्स वगैरह लिए थे लास्ट वीडियो में, आपने देखा होगा, वहाँ से हेलीकॉप्टर मिलता है और वो डायरेक्ट आपको केदारनाथ धाम में जो हेलीपैड बना हुआ है वहां पर आपको छोड़ेगा। यहाँ से है श्री केदारनाथ धाम 8.5 किलोमीटर, बेस कैंप है 6.5 किलोमीटर, बिग लिंचोली है 3 किलोमीटर और स्मॉल लिंचोली है 1 किलोमीटर। यहाँ पे धीरे धीरे ठंड और बढ़ रही है, और ये ऊपर का वेदर देखो, ये पहाड़ों पे पूरा बादल बादल ही नजर आ रहा है, पूरा फॉग हो रखा है। सामने है स्नो, ये माउंटेन्स दिख रहे हैं, इस पे सब ये स्नो जमा है। आप कल गए थे ऊपर तो वहाँ धाम पे स्नो है क्या? बर्फ नहीं है। नहीं है, दूर है, दिखती है वहाँ से। अच्छा रास्ते में दिखेगी। यहाँ से केदारनाथ धाम है 8 किलोमीटर और गौरीकुंड है 8 किलोमीटर, यानी कि हम लोग हाफ डिस्टेंस कवर कर चुके हैं 16 किलोमीटर में, 8 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, और अभी हम लोग को टाइम लगा है 1.5 घंटे। हम लोग 4:30 पे चले थे ना भैया, और 6 बज गया है। सही है, तुम बराबर ही चल रहे हो पैदल, सही बात है। नहीं हमारे अंकल स्लो चल रहे हैं ना, तो जैसे अंकल चल रहे हैं वैसे हमारा घोड़ा चल रहा है। ग्रेटर नोएडा, हम नोएडा से आए हैं। तो आप लोग रात में यहीं रुके होंगे गौरीकुंड? गौरीकुंड में। और ये जो नया रूट बना है इसमें देखो, पत्थर जितने भी लगे हैं इनके बीच में क्या रहता है, इस तरह बांधने पे गैप आ जाता है, तो ये जो पानी आता है ना वो इसके बीच से निकलता रहता है। और देखो हल्की फुल्की स्नोफॉल है, मतलब कि विंटर्स में ये सारा स्नो से कवर्ड रहता है, बट अभी क्या है धीरे धीरे मेल्ट हो के सब ये वाटरफॉल बन बन के नीचे आ रहा है। भैया जब स्नोफॉल होता है, बर्फ गिरती है, तब आप लोग आते हैं ऊपर? कभी कभी नहीं आते, बंद हो जाता होगा बंद रह गई 6 महीने पूरी तरह। ओके, दीपावली के बाद बंद हो जाता है, दीपावली के बाद, उसके बाद अब खुलता है जब ये काम चालू होना, रोड साफ होना शुरू होती है। ना ना रोड हो जाती है पहले, यहाँ आज नहीं रहती है। ये छोटी लिंचोली, और यहाँ पे ना आपको पूरे ये शेल्टर नज़र आ रहे होंगे, सो ये बने हुए हैं कि आपको कभी भी अगर आते हैं तो बरसात में रुक भी सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे जो घोड़े वाले हैं, खच्चर वाले हैं, उन लोगों ने यहाँ पे सब अपना रेस्ट वगैरह करते हैं, नीचे घोड़े वगैरह बांध रखे हैं, बट अगर कोई टूरिस्ट भी होता है तो वो भी रुकना चाहे तो यहाँ पे खड़े हो सकता है, रुक सकता है। और ऐसे छोटे छोटे स्टॉल हमें कंटिन्यू मिल रहे हैं हर जगह। जैसे 6 महीने यात्रा नहीं होती है तब इसको मतलब क्या करते हो, कहीं पे यूज करते हो या ऐसे बांधे रखते हो? ऐसे बांधे रखते हो। भाई पैदल आने वाले लोग तो हमें बहुत कम दिख रहे हैं सब घोड़े और खच्चर वाले दिख रहे हैं। फाइनली हम लोग थोड़ा सा रुके हुए हैं यहाँ पे ब्रेक लेने के लिए, छोटी लिंचोली पे हम लोग रुके हुए हैं। लगभग हाफ जर्नी हम लोग कवर कर चुके हैं, आधा रास्ता हमारा कवर हो गया है और आधा रास्ता अभी बचा हुआ है। अभी हम लोग को ये पूरा इधर से चढ़ के, पर बहुत ज़्यादा चढ़ाई है यहाँ, मतलब अच्छी खासी चढ़ाई है, तो ये सब ऊपर से कवर करके फिर यहाँ से ऊपर जाना है हमें। और पहले उधर से ये रास्ता था इधर इधर, और ये सब आपदा में यहाँ सब पूरा ये पानी पानी भर गया था, ये सब कुछ बह गया था, ये सब दोबारा बना हुआ है। अभी फिलहाल चाय बोली हुई है, चाय पीते हैं। भैया उधर घोड़े को गुड़ खिला रहे हैं। भैया मीठी कम रखना चाय, ठीक है? अदरक है क्या? अदरक, इलायची डाल दो, मीठा ज़्यादा डाल दिया।
चाय के चार्जेस यहाँ सही थे, 20 रुपए की चाय थी। महंगा कुछ नहीं है एक्चुअली, इस हाइट के हिसाब से तो ठीक ही है भाई। ये जो भी सिलेंडर वगैरह ला रहे हैं सब ला तो वैसे ही रहे ना घोड़े से ही, यहाँ कोई व्हीकल तो आता नहीं है तो इसलिए प्राइस ज्यादा है ही नहीं। देखो कितनी शार्प चढ़ाई है, यहाँ से गए ये पूरा ऊपर ऐसे, फिर इस तरह ऊपर गए, ये पूरी शार्प चढ़ाई है। ट्रैक काफ़ी डिफ़िकल्ट है, सो अगर पैदल चलने का एक्सपीरियंस नहीं है तो या तो आप बहुत स्लो चलें और या फिर इस तरह का ले लें। और ये देखो ऊपर हेलीकॉप्टर, इनका बढ़िया है, 10 से 15 मिनट लगते। बस गुप्तकाशी से बैठो, फटाक से पहुँचो केदारनाथ जी। भैया जैसे 6 महीने जब ये नहीं चलता है तब आप लोग क्या करते हो? घरी में रहते। अच्छा, कुछ काम वगैरह कैसे करते हो फिर? खेती बाड़ी का काम करते हैं। यहाँ से श्री केदारनाथ धाम है 7 किलोमीटर। भाई देख रहे हो कैसी चढ़ाई है, आराम से। ये देखो एकदम शार्प, यहाँ के व्यू देखो यहाँ से ऊपर से, क्या बात है। और ये ऊपर देखो माउंटेन्स के एकदम टॉप पे आप देखोगे पूरा फॉग ही फॉग हो रखा है, यहाँ से पता भी नहीं चल रही। इसके ऊपर भी माउंटेन है बट इतना फॉग है कि वो पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है और अगर कहीं बारिश हो गई बुरी कंडीशन हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे स्नो पूरी पड़ी हुई है, लेकिन सामने अभी सनलाइट उधर आ चुकी है, तो जैसे जैसे इधर सनलाइट आएगी ना तब वेदर बहुत अच्छा हो जाएगा। और घोड़ों को भी पता है कौन सा रूट उनके लिए अच्छा है, जहाँ पे स्टेयर्स छोटी छोटी बनी इससे वो जा रहे, बड़ी स्टेयर्स से नहीं जा रहा। ये देखो बर्फ ही बर्फ है यहाँ पे, ये देखो इधर सब स्नो है इधर। भाई यहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा हो रखा है, बहुत ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट है, ठंडा ठंडा। ये देखो ऊपर पूरा फॉग ही फॉग है ऊपर, यहाँ से आगे से एक शॉर्टकट था तो ये लोग शॉर्टकट से आ रहे हैं जो पैदल वाले हैं। हर हर महादेव। वहाँ तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, भैया बता रहे हैं एकदम ऊपर वहाँ पर हम लोग को जाना है, उसके भी थोड़ा सा आगे जाके मंदिर है, बट वहाँ वेदर बहुत अच्छा दिख रहा है, पूरा फॉगी फॉग है वहाँ पे। और अभी हमको जाना भी काफी है, मतलब 7 किलोमीटर अप्रोक्स बचा हुआ है और हाइट देख रहे हो पूरा ऐसे करके जाना है। घोड़े पे बैठ के आप जल्दी तो जा सकते हैं लेकिन थोड़ा बहुत बैक पेन जरूर होगा आपको शुरुआत के 1-2 दिन आपको लगती है, और उसके बाद जब 2-4 दिन चल लोगे फिर नहीं थकान, फिर तो नेचुरल बॉडी उसी तरह अडॉप्ट कर लेती होगी। ये कह रहे हैं आज हमारा पहला दिन है तो इसकी वजह से उन्हें थकान लग रही, कह रहे हैं जब चल लेंगे 2-3 दिन उसके बाद फिर हम कितना भी चलते रहेंगे हमें कभी भी फील नहीं होता है। और अभी हम लोग आ गए बड़ी लिंचोली पे, यहाँ पे बीच बीच में आपको इस तरह टॉयलेट मिल जाएंगे लेडीज जेंट्स के, और इस तरह की शॉप बड़ी लिंचोली 0.5 किलोमीटर। भैया कितने बजे चले थे आप लोग? सुबह 4 बजे, तो बहुत जल्दी आ गए। हम 4:30 पे चले थे, 4:30 बजे के बाद ही चले हम वहाँ से। 4:30 के बाद चले हो? थोड़ा देर पहले पहुंच जाते हो, हमारे पास दोस्त होते हुए दो दोस्त, हम उनके इंतजार में बैठते उनका तक से फोटो नहीं है कहीं भी। भाई अब जैसे जैसे सनलाइट आने लगी है देखो बीच बीच में स्नो मिल जाएगी आपको, देख लो ऐसे स्नो है, बट जैसे जैसे सनलाइट आती जा रही है ना बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। सामने सनलाइट आ चुकी है, इधर सनलाइट आ चुकी है, और हेलीकॉप्टर के तो इतने राउंड लग चुके हैं जब से हम लोग चले कंटिन्यू। अभी केदारनाथ धाम यहाँ से बचा हुआ है 4.5 किलोमीटर, यहाँ से केदारनाथ धाम है 3.5 किलोमीटर। और ये देखो रास्ते में पूरी बर्फ की चादर, वो भी हाइट देखो कितनी ज्यादा है दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे सनलाइट इधर आती जा रही है, और उसकी वजह से क्या है जितने भी बादल वगैरह थे फॉग वॉग था वो सब धीरे धीरे क्लीन होता जा रहा है, और इसका ये एकदम क्लियर दिख रहा है अभी, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। फाइनली हम लोग आ गए यहाँ पे, यहाँ से केदारनाथ धाम बचा है 2 किलोमीटर। जो लोग घोड़े से आते हैं उनका लास्ट पॉइंट ये होता है, यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा 2 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से केदारनाथ धाम, घोड़े से यहीं से उतरना पड़ेगा और फिर उसके बाद पैदल, इसको बोलते हैं घोड़ा पड़ाव। और यहाँ के व्यू देख लो भाई साहब, ये सामने माउंटेन देखो पूरा स्नो से कवर्ड है, जबकि उसके बगल में ये सारे माउंटेन है, इसमें इतनी ज्यादा स्नो नहीं है बट वो पूरा स्नो से कवर्ड है। भाई पीछे देखो यार एकदम व्हाइट,